सूफीरन 786 चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हम भी चाहते हैं कि पीर बाबा हमारी हर आस मुराद पूरी करे, हमारी हर दुआ को कबूल करे, तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। वह कौन सी बातें हैं, आओ आज इसी के बारे में बात करेंगे। सो आप सभी से विनती है इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, हर इंसान जो पीर बाबा को मानता है वह चाहता है कि पीर बाबा उसकी हर दुआ को, फरियाद को कबूल फरमाए, उसकी हर इच्छा को पूरी करे, उसकी गरीबी तकलीफ़ें बीमारी को दूर फरमाए। उसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ काम करने पड़ेंगे। अगर आपने उन कामों को अच्छी तरह किया तो इंशाल्लाह ताला आपका पीर व मुर्शिद आपकी हर दुआ को भी कबूल करेंगे, आपकी गरीबी बीमारी तकलीफ को दूर फरमाएंगे। सबसे पहले अगर आप पीर बाबा को मानते हैं, जैसे कि लख दाता लाला माली सरकार, गौस पाक सरकार, ख्वाजा पीर, ख्वाजा गरीब नवाज, नाग देवता, बाबा सिद्ध चानो, किसी भी पीर बाबा को मानते हैं, तो सबसे पहले हमें एक पीर को मानना पड़ेगा। हमें इज्जत रिस्पेक्ट हर पीर बाबा की करनी है। हर आगे आप सिर झुका सकते हैं, पर आपका मुर्शिद, आपका रब, आपका अल्लाह, आपका परमात्मा, आपका पीर एक ही होना चाहिए। जब हम एक पीर को मानते हैं, उसी से मांगते हैं, तभी हमारी हर इच्छा पूरी होती है। इसके लिए आप भी एक पीर बाबा के लड़ लगें, इज्जत सबकी करें, सलाम सबको करें, पर मांगे एक से ही। एक के लड़ लगेंगे तभी हम पार लगेंगे, तभी हमारी हर इच्छा, हर मनोकामना पूरी होगी। जो इंसान दर दर पर जाकर मांगता है, आज जहां पर मांग लिया, कल वहां पर, परसों तहां पर, फिर ऐसे इंसान की किसी भी दरबार पे कोई दुआ कबूल नहीं होती, वह दर दर भटकता ही रहता है। इसीलिए सबसे पहले आप एक के लड़ लगे, एक से मांगे, एक के आगे ही अपने दुख को फरोले, तभी हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। अपने अंदर की बुराइयों को पहचानना अति जरूरी होता है, जैसे कि झूठ बोलना, चोरी करना, चुगली निंदा, बुराई करना, किसी का बुरा करना या बुरा करने के बारे में सोचना, किसी के हक के पैसे को मारना, किसी को रुलाना, किसी को धोखा देना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ऐसी अगर चीज़ें आपके अंदर है, तो फिर आप किसी भी पीर बाबा को मान लें, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। सबसे पहले आपको आपके अंदर की बुराइयों को पहचानना पड़ेगा, उन्हें दूर करना पड़ेगा। जितनी भी हमने आपको बुराई बताई हैं, अगर आपने इनको दूर फरमाया, एक पीर बाबा के लाल लगकर आपने उनकी सेवा की, उनसे मांगा, उनकी तपस्या की, तो इंशाल्लाह ताला आपका पीर व मुर्शिद आपको कभी निराश नहीं करेंगे। आपकी हर दुआ, हर इच्छा को वह कबूल फरमाएंगे और आपको जीवन की हर खुशी देंगे। जीवन में एक कामिल गुरु होना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से, जिसके सदके में पीर बाबा अल्लाह ताला हमारी हर दुआ को कबूल फरमाते हैं। अगर आपके पास कामिल गुरु है, कामिल मुर्शिद है, तो फिर आपके बारे न्यारे हैं, आपको किसी चीज़ की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ से, मुसीबत से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कामिल मुर्शिद, कामिल गुरु हम पर आने वाली हर मुसीबत को दूर फरमा देते हैं, हमें सही रास्ता दिखाते हैं, अंधेरे में रोशनी करते हैं और हमें सही रास्ते पर लेकर हमें पीर बाबा के दरबार तक पहुँचा देते हैं। इसीलिए ज़िंदगी में कामिल गुरु का होना बहुत जरूरी है। इसलिए आप भी अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने लिए एक कामिल गुरु को ढूंढे, जो सच में कामिल गुरु हो, सच्चा हो, पाक हो, और जिसे रूहानियत की खबर हो, और जिसकी तार पीर बाबा से जुड़ी हुई हो, ऐसे इंसान को आप गुरु बना सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में, आपकी सोच में, दिमाग में, दिल में छल कपट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपका मन, दिल आईने की तरह पाक साफ होना चाहिए, तभी बंदगी का, सेवा का, चिराग का फायदा होता है। पीर बाबा की सेवा तो करनी ही है, उसके साथ साथ अपने माँ बाप की सेवा अति जरूरी है। अगर वह खुश नहीं है
तो फिर चाहे आप कामल गुरु के लड़ लग जाए, एक पीर बाबा को माने, फिर भी आपकी दुआ कबूल नहीं होगी। इसके लिए सबसे पहले आप अपने माँ बाप को खुश करें, उनकी सेवा करें, बाद में अपने पीर मुर्शद की, अपने गुरु की सेवा करें, अल्लाह ताला की इबादत करें, फिर हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। अपने अंदर की बुराइयों को मारना बहुत जरूरी है, वरना हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकेंगे। चाहे हम 100 जन्म ले लें, कुछ भी नहीं हमें प्राप्त होगा, जैसे आए थे वैसे ही चले जाएंगे। और हम बुराइयों से बच कैसे सकते हैं, उसके लिए भी हमें अपने पीरों मुर्शिद के आगे ही दुआ करनी है, क्योंकि उसी की रहमत से ही हम इन बुराइयों से बच सकते हैं, अपने अंदर की मैल को दूर फरमा सकते हैं। वही हम पर कृपा करेगा, रहमत करेगा, तभी हम पाक साफ होंगे। इसीलिए यह दुआ भी आपको अपने पीरों मुर्शिद के आगे ही करनी है, वही हम पर रहमत करेगा। और अपने मन को काबू में रखना है, बार बार टोकना है अगर वह गलत दिशा में जाता है। जय आपके हाथ में है, गलत दिशा में जाए तो उसे टोके। जब भी दिल में बुरे ख्याल आए, अपने पीरों मुर्शिद को याद करें, उनका कोई भजन गाले, सिमरन करें, तो आप गलत दिशा में कभी नहीं जाएंगे। सो आप अगर इन बातों का भी ध्यान रख लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप जिंदगी की हर खुशी पाएंगे, हर इच्छा आपकी पूरी भी होगी और पीर बाबा आपको कभी निराश नहीं करेंगे। सो इन बातों का ध्यान रखें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका पीर और मुर्शिद अल्लाह ताला आपकी हर इच्छा पूरी करे। आमीन।